वहीं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच रेवाड़ी के बावल में बवाल हो गया। दरअसल गंदगी के ढेर को हटाने के लिए नगर पालिका के चेयरमैन खुद ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी लेकर पहुंचे थे, लेकिन सफाई कर्मियों ने उन्हें कूड़ा उठाने से रोक दिया। चेयरमैन और सफाई कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि चेयरमैन ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांगों का समर्थन तो करते हैं, लेकिन शहर में गंदगी से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बाहर से किसी भी सफाई कर्मचारी को बुलाया नहीं गया है, न ही किसी की भर्ती की गई है। सफाई कर्मियों का कहना है कि मांगे नहीं मानने तक वो किसी भी कीमत पर कूड़ा उठाने नहीं देंगे। शहर में कूड़े की व्यवस्था बहुत बुरा हाल हो चुकी है। हमने इनको समर्थन दिया था कि बाहर से कोई कर्मचारी नगर पालिका में काम नहीं करेंगे, पर हमने ये भी कहा था कि हमारे 3 ट्रैक्टर और जेसीबी कल कूड़ा उठवाएंगे। और जैसे ही आज हम वाल्मीकि बस्ती में ही, जहाँ क्या है पूरे गांव की शमशान घाट है और उस रोड पे कूड़े का बहुत बुरा हाल था, तो जैसे हम पहुंचे सारी लेबर वहां पहुंच गई। मैंने उनको समझाया कि कोई कर्मचारी बाहर का लिया या प्राइवेट आदमी से हम कूड़ा नहीं उठवा रहे। हम खुद वहां 3-4 पार्षद भी थे, हम खुद अपने ट्रैक्टरों से जेसीबी से कूड़ा उठवा रहे हैं, पर उन्होंने विरोध किया कि हम कूड़ा नहीं उठवाने देंगे। मैंने उनको काफी समझाया कि हम आपका इतना सहयोग करते हैं तो आप हमें पूरा सहयोग करें, लेकिन वो उन्होंने हमारा सहयोग आज नहीं किया। सभी हड़ताल पर हैं और शहर के अंदर कचरा उठ रही है, हम उठने नहीं देंगे। और शहर वासियों से भी हम अनुरोध करते हैं कि हम उनके सहयोग में सहायता में हमेशा तैयार रहते हैं। 24 घंटे जब भी ड्यूटी के कोई ऐसा आदेश होता है तो हम रात को भी ड्यूटी लगती है हमारी, और हम शहरवासियों से हम उनका सहयोग करते हैं तो हड़ताल में वो भी हमारा सहयोग करें। यहाँ पर हमारे 54 कर्मचारी हड़ताल पर है और हड़ताल पूरे राज्य पूरे हरियाणा में। तो ये रेवाड़ी के बावल की तस्वीरें हैं, जहां पर नगर पालिका की तरफ से जब कूड़ा उठाने की कोशिश की गई तो हड़ताल पर बैठे कर्मी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने कूड़ा उठाने से रोक दिया। हालांकि पालिका के चेयरमैन का कहना है कि कोई भी बाहर का सफाई कर्मी नहीं है, न ही किसी नए कर्मी की भर्ती की गई है। जो नगर पालिका के ट्रैक्टर हैं जेसीबी है उन्हीं से कूड़ा उठवाया जा रहा है, क्योंकि यहां से कूड़ा बहुत ज़्यादा जमा हो गया है और लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और इस वक्त मेरे साथ देवेंद्र भारद्वाज जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से, जी मीडिया संवाददाता, पानीपत से राकेश भयाना और सोनीपत से राजेश सोनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गुरुग्राम का रुख करते हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम साइबर सिटी है, दुनिया भर के लोग गुरुग्राम आते हैं। शहर की स्थिति 10 दिनों में खराब हो गई है। सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर आज एक बड़ी बैठक चंडीगढ़ में हो रही है, क्या एक्सपेक्टेशन कर्मचारियों की है और यूनियन के लोगों की है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल के चलते साइबर सिटी गुरुग्राम, जिसको स्मार्टेस्ट सिटी कहा जाता है, उसकी सूरत बदसूरत होती जा रही है। अलग अलग जगहों पर जो कूड़े के ढेर लगातार लग रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसको लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच अभी भी किस तरह से समन्वय जो स्थापित होना था वो नहीं हो पाया है। हालांकि लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन क्या हल निकलता है ये आज चंडीगढ़ में हो रही बैठक के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि गुरुग्राम में बात की जाए तो करीब 2500 सफाई कर्मचारी हैं जो सभी के सभी हड़ताल पर हैं, लगातार वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, और यही कारण है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। इसके अलावा नगर निगम ये दावा कर रहा है कि प्राइवेट कंपनियों की तरफ से जो कर्मचारी उन्होंने हायर किए हुए हैं उनके मार्फत सफाई का काम किया जा रहा है, लेकिन इस बीच जिस तरह से 2500 कर्मचारी एक बड़ी संख्या है और गुरुग्राम में लगातार जो सफाई व्यवस्था अब चरमराती जा रही है, उस बीच कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों को मनाया जाए, जो उनकी मांग सूत्रीय मांग है उस सभी मांगों को पूरा किया जाए या किस तरह से उस पर एक हल निकाला जाएगा, क्योंकि
दोनों तरफ से बातचीत लगातार जारी है, लेकिन बेनतीजा जो लगातार बातचीतों का दौर निकल रहा है, उस बीच परेशानी सीधे तौर पर लोगों की बढ़ रही है। लगातार शहर के अलग अलग जगहों पर कूड़े के बड़े ढेर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि नगर निगम और जीएमडीए की तरफ से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी किसी भी तरह से जो स्थिति है वो कंट्रोल में आती नजर नहीं आ रही, बल्कि हालात और बिगड़ते ही जा रहे हैं। जी देवेंद्र, ठीक है। राकेश भी मेरे साथ जुड़े हुए पानीपत से। राकेश, पानीपत में भी कर्मचारी पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि शहर की सूरत बिगड़ गई होगी। आज जो बैठक होने वाली है, उस बैठक से क्या उम्मीदें हैं? राकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हेलो, हाँ बोलिए जी। इस समय मैं जहाँ कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, मैं मौजूद हूँ, आप पीछे देख सकते हैं। ये देखिए, सभी जो कर्मचारी हैं इस समय हड़ताल पर, पिछले 11 दिन से ये सभी लोग हड़ताल पर हैं, और जब तक इनकी जो कल वार्ता हुई थी उनके खुलने के बाद लगातार अब ये अपनी बातों के आगे अड़े हुए हैं कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, क्योंकि पिछले 11 दिनों से जो निगम का है वो भी काम प्रभावित हो रहा है, आम जनता परेशान हो रही है। हमारे साथ कुछ कर्मचारी है, उनसे बात कर लेते हैं, एसोसिएशन के प्रधान है, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, तब तक आपकी क्या क्या मांगे और कब तक हड़ताल पे बैठे? देखिए आदरणीय साथियों, देश प्रदेश की जनता हड़ताल पर तब जाती है, शासन प्रशासन उनकी बातों को न माने, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करे, उनकी जो मांगे है वो पूरी करने में, चाहे वो सरकार है चाहे वो प्रशासन है, नाकाम हो। तो सरकार की जो गलत नीतियां है उनकी बातें नहीं मानी जाती, तब मजबूर होकर के देश प्रदेश की जनता आंदोलन पर आती है। कल वार्ता विफल होगी, उस पर क्या कहना? देखिए, वार्ता हमारे नगर पालिका संघ हरियाणा ने बीजेपी सरकार को 4 महीने से नोटिस के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया। बीजेपी सरकार ने 2020 में हमारे नगर पालिका संघ हरियाणा के साथ वार्तालाप करी, 25 अप्रैल उसके बाद 10 मई और 28 जून को फिर हरियाणा सरकार ने नगर पालिका संघ हरियाणा के साथ कर्मचारियों के मांगों के लिए बातें करी, मगर हरियाणा की सरकार आज तक जो वादे किए थे, जो हमारे नेताओं के साथ समझौते किए थे, आज तक किसी भी महकमे में पत्र जारी नहीं किया।